सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डॉट ग्रिड पेपर कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसा कि आपको यहां सामने पेज पे दिख रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो कंट्रोल एन दबा प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर हमें डॉट ग्रिड पेपर बनाना है तो हमें क्या करना है, पहले हमें कुछ डॉट्स टाइप करने हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ डॉट्स हमने यहाँ पे टाइप कर दिए। ये आपको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ डॉट्स टाइप कर दिए, उसके बाद इनको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है यहाँ पर। ये देखिए एक छोटा सा एरो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये छोटा सा एरो यहाँ पर देखिए, ये अल्फाबेट वगैरह लिखे हुए हैं, इसके नीचे छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने फॉन्ट का एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हमको दिखते हैं, फॉन्ट एंड एडवांस। हमको जाना है एडवांस में। एडवांस में जो स्पेसिंग है वहाँ नॉर्मल है अभी, मतलब अभी यहाँ पर नॉर्मल शो कर रहा है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और एक्सपेंडेड यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर 1 PT दिखा रहा है, हमको इसको 10 कर देना है। ठीक है, यहाँ पर एक 0 हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो देखिए 10 PT हो गया। 10 PT के बाद हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ओके पे क्लिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज डॉटेड आपको ऐसे दिख रहा है। अब इसको हम वापस से बैक स्पेस दबाएंगे और उसके बाद ठीक है ऐसे डॉट डॉट प्रेस करते जाएंगे। तो बस कुछ दूर तक डॉट प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इसको कॉपी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से पूरा कंट्रोल ए करके कॉपी, सॉरी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद इसके आगे कंट्रोल वी। ठीक, तो आप देखेंगे कि डॉटेड पेपर पूरा आपका बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम डॉटेड पेपर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।